हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, अभी कई ऑनलाइन प्रोग्राम भी आपके सामने उद्घाटन किया गया। इससे पहले जब वन महोत्सव था, उस वन महोत्सव में मैंने विभाग से कहा था कि आप राज्य के अंदर एक ऐसा टोल फ्री नंबर जनरेट कीजिए और राज्य के लोगों को बताइए इस नंबर पर जंगल में कोई भी पेड़ की कटाई हो, अवैध खनन हो, इस तरीके की घटनाएं हो तो उस नंबर पर लोग फोन करें और उस पर विभाग तुरंत कार्रवाई करे। हालांकि ये तो मैंने बोला जरूर, लेकिन मुझे विभाग ने दोबारा नहीं बताया कि हमने ये टोल फ्री नंबर चालू किया, लेकिन आज पता चला कि ये टोल नंबर फ्री काम कर रहा है। हजारों की संख्या में शिकायतें भी आई है और निष्पादन भी हो रहा है, और आप उस टोल फ्री को यहां उपलब्ध कुछ जो किताबें हैं इसमें नीचे पे आप देखेंगे 1800-88-92-633 इसका नंबर है। लेकिन आज वन महोत्सव के अवसर पर ही सही, हम लोग जितने भी एकत्रित हैं यहां पर सभी लोग कम से कम इस संकल्प के साथ जाएं। आज यहां जितने लोग हैं सभी लोग मिलकर अगर एक एक पेड़ भी लगा ले तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा जो मैदान है वो जंगल से भर जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं, मैं नहीं कहता कि आप पूरा जंगल ही आप एक आदमी बैठ के रोपने लगे उसको अघोरने लगे, आप एक ही पेड़ बचाइए। अभी पीसीसी साहब ने कहा कि आप अपने जन्मदिन पर अपने माता पिता के एनिवर्सरी पर कई ऐसे दिनों को आप यादगार बना सकते हैं इसके माध्यम से, और इस बात का वो गवाह भी रहेगा और आपको वो दिखेगा भी। अब बहुत सारी चीजें महंगी महंगी, कोई गिफ्ट आप देते हैं किसी को भी, पता नहीं कुछ दिनों के बाद उस गिफ्ट का क्या असर होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं अगर वो वृक्ष आप अपने जन्मदिन पर, अपने मां बाप पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर लगाते हैं तो जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा पेड़ भी वैसे ही बड़ा होता जाएगा, अंतोगत्वा पेड़ ही आपको एक ऐसा चीज उसकी पहचान के रूप में याद दिलाएगा जो आपको सदैव अपने बच्चे या अपने उस महत्वपूर्ण दिन की को ताजा करेगा। तो ये एक बड़ा मनुष्य के साथ एक अलग तरीके का प्रकृति का जुड़ाव होता है। इस जुड़ाव के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज दिल्ली वगैरह की हालत क्या है आप देख रहे हैं, आज के दिन में यहां झारखंड में शायद हम लोग कार्यक्रम कर पाते, हम उस मौसम से गुजर रहे हैं, लेकिन बारिश का भी पता ही नहीं चल रहा कि बारिश होगा कि नहीं होगा, लेकिन तंबू लगा करके हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश लगता है होगा।
नहीं तो खुले मैदान में करते, इतना बड़ा पंडाल का पैसा भी बचता। ये क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है। आज समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए समय रहते अपनी अपनी जिम्मेवारी को हम संभालें। हमने तो शहर विशेषकर जहां सबसे अधिक वृक्षों को नुकसान होता है, शहर में लोग जंगलों को काटकर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर देते हैं, बड़े बड़े 10 तल्ला 20 तल्ला 30 तल्ला 40 तल्ला, यहां तो आप 50-100 तल्ले तक लोग जाने लग गए, इतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बनाने लगा और पूरा शहर को कंक्रीट से ढक दिया। हमने तो कानून भी बना दिया अब कि शहर में जो आदमी एक पेड़ लगाएगा उसको 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप जितना पेड़ लगाइए उतना 5 यूनिट बिजली फ्री पाइए। तो ये एक प्रोग्राम हमने बनाया है, लेकिन वास्तव में इससे अलावा हटके ये काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो जिस तरीके से पानी पीने के लिए अभी हम लोग मारामारी कर रहे हैं, कल स्वच्छ हवा के लिए हम लोग मारामारी करने लगे।